जिसकी जैसी सोच उसका वैसा तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाइए तब तक ना तो आपका जीवन बदलेगा ना ही आपका फ्यूचर बदलेगा। फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बदलना है वो है आपकी सोच। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि सोच ही वो न्यू है जिस पर हम अपने सपनों को महान बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी तो क्या कोई वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप ये मान लीजिए कि हमारी और कठिनाइयां के बीच में जो जंप होता है इसी बीच कठिनाई के लड़ों के अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है इस काम को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। इसी को साबित झूठ बोलना कहते हैं। इसी साबित झूठ के चक्कर में लोग नहीं कहकर कुछ भी नहीं कर पाते। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने की इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाएगा जिसे आपका दिल करना ना चाहे। अगर आप किसी के ऐसा तरह नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में हिला ना सके। आप डर कर खड़े तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। जो चिता वही सिकंदर।